तो चलिए, आइसोमेरिज्म जो हम लोग कल देख रहे थे, ठीक है, वहाँ पे देख चुके थे हम लोग कहाँ तक, हाइड्रेट तक जो है वो हम लोग देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो लिंकेज आइसोमर, समझ में आया? लिंकेज आइसोमर क्या बोलता है? लिंकेज आइसोमर तो यहाँ लिंकेज आइसोमर बोलता है कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बिडेंट लिगेंड। लिंकेज आइसोमर तब अवेलेबल होता है आपका जब एम्बिडेंटेड लिगेंड आपका हो, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगेंड आपका अवेलेबल हो तब आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू लिंकिंग ऑफ डिफरेंट डोनर एटम फ्रॉम सेम लिगेंड। यानी कि एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या रहता था, क्या बताया था कि लिगेंड सेम ही है लेकिन उसका डोनर एटम अलग अलग। तो डोनर एटम अलग अलग हो जाने के कारण जो है वो अलग अलग जो है वो आइसोमर शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सीएन साइनाइड, लेकिन एनसी भी होता है, आइसोसाइनाइड भी होता है, तो इसीलिए वो जो है वो यहाँ पे क्या कहलाता है? लिंकेज आइसोमर, मतलब उसका लिंकिंग, ठीक है, वो किससे लिंक कर रहा है वो डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि साइनाइड हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, यानी ऑक्सीजन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, HCN हो गया, ठीक है, OCN हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है जहाँ पे लिंकेज आइसोमर शो होता है, ठीक है, शो होने के चांसेस हैं। और यदि एग्जांपल यदि हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से, CuNH3 का होल 5 ONO, तो यहाँ पे लिंकेज किसके साथ है? O के साथ, ठीक है। अच्छा, यही सेम है, ONO NO2 भी लिख सकते हैं। अभी ये NO2 लिख दिए, इसका मतलब लिंकेज इसका किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ है। और इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। और इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। तो थोड़ा सा कलर का आइडिया जब दे रहे हैं तो वो भी ध्यान में रखना है। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा पेंटा एमाइन, 5 एमाइन है, ठीक है, पेंटा एमाइन नाइट्रिटो, ठीक है, नाइट्रिटो ओ, क्योंकि तो लिंकेज किसके साथ है? ओ के साथ है। और यहाँ क्या हो जाएगा? पेंटा एमाइन नाइट्रिटो एन, क्योंकि लिंकेज किसके साथ है? एन के साथ, ठीक है। और कोबाल्ट 3, ठीक है, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 के साथ है यहाँ पे। उसी तरीके से जो क्रोमियम, ठीक है, दूसरा एग्जाम CrNH3 का होल 5 CnSO4, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? अब यहाँ पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे तो +3 आएगा, ठीक है। अब हम बार बार निकालेंगे नहीं, शुरू से बताते आ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? तो एक तो ये आ सकता है कि क्रोमियम के साथ 5 NH3 और CN अंदर और SO4 बाहर, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि SO4 तो बाहर रहेगा लेकिन यहाँ पे CN के जगह क्या हो जाए? NC। CN के जगह क्या हो जाए? NC। बात समझ में आ रहा है? CN के जगह क्या हो जाए? NC। तो ये देखिए, ये लिंकेज आइसोमर शो कर रहा, बस अपना लिंकिंग जिससे लिंक्ड है वो चेंज किया है, सब का सब सेम है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से देखेंगे जरा सा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ से आइसोमर कितने हो जाएंगे? यहाँ से कितने आइसोमर निकलेंगे? यहाँ से 2 आइसोमर निकलेंगे। यहाँ से कितने आइसोमर निकलेंगे? 2, ठीक है। ये दोनों आपस में लिंकेज आइसोमर है, ये दोनों आपस में क्या है? लिंकेज आइसोमर है। लेकिन यहाँ से 2 कैसे? अच्छा, CN को अभी अंदर रखे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, 2 कैसे? CN को अभी अंदर रखे हैं, SO4 को भी तो रखते हैं, मतलब ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपस में इधर उधर कर सकते हैं। हालांकि वो लिंकेज नहीं होगा लेकिन आइसोमर तो हो सकते हैं ना, कितने आइसोमर वो बात कर रहे हैं टोटल। उसके बाद SO4 को अंदर रख के फिर ये बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, SO4 को अंदर रख के फिर ये वाला जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आइसोमर फिर बदल जाएगा आपका। तो यहाँ पे बेसिकली कितने हो रहे हैं? यहाँ से भी आपको 2 आइसोमर मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी आपको कितने आइसोमर मिल जाएंगे? 2। टोटल स्ट्रक्चरल, टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल कितना हो जाएंगे? 4। अब इसमें देखेंगे जरा सा, इसमें कि PtNH3 का होल 2 NO2 का होल 2। अब ये देखेंगे NO2 क्या है? एम्बिडेंटेड, पता करने का ये लिंकेज शो कर रहा है कि नहीं, ये क्या है? एम्बिडेंटेड आ गया। एम्बिडेंटेड कितने हैं? ये टोटल 2 हैं। टोटल कितने हैं? ये 2 है। तो सबसे बढ़िया निकालने का तरीका, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ बता रहे हैं, टोटल आइसोमर जो होगा वो 2 + 1 = 3 होगा, टोटल आइसोमर जितना यहाँ दिया हुआ उसमें एक जोड़ दो, वो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखेंगे क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है NO2 लिख सकते हैं, एक तो क्या लिख सकते हैं ONO का होल ट्वाइस, और एक क्या लिख सकते हैं एक NO2 और एक ONO। कितने आइसोमर हो गए? तीन आइसोमर हो गए, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा आते हैं हम लोग, इसका यदि देखेंगे हम लोग, इसके तो तीन आइसोमर हो गए, ठीक है। इसका यदि देखें तो कितना है, ये भी एम्बिडेंटेंट हो गया, साइनाइड भी और आइसोसाइनाइड दोनों लिख सकते हैं, तो कितने हैं, सिक्स है। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 6 + 1 दैट इज 7। याद रहेगा कैसे हम लोग कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। उसके बाद जो हम बोले कि 7 हो सकता है, तो वो कैसे हो सकता है 7, वो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, वो भी आप समझ सकते हैं। देखेंगे जरा सा कैसे। अब जैसे कि या तो एक हम CN बना सकते हैं और एक NC बना सकते हैं। तो एक में रखो 6 CN और NC 0, फिर CN को रखो 5 और NC को रखो 1, फिर 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6, इस तरीके से रेशियो में चेंज करते जाओ, तो फिर पता चलेगा कितना स्ट्रक्चर अपने को मिल रहे हैं, टोटल या 7 स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है समझने के लिए कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। आगे यदि हम बात करें, पांच वाले लिए हैं क्रोमियम NH3 का होल 2, NO2 का होल 2, ठीक है, CN होल 2 और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, क्लियर हो रहा, माइनस। अब यहाँ पे क्या है कि ये हो जाएगा आपका टोटल 2, ठीक है। टोटल कितने आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं ना 2, ठीक है, ये भी कितने हैं, टोटल 2 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, हम क्या बोले थे, जितना है एम्बिडेंटेड उसमें एक जोड़ो, तो 2 + 1 = 3, ठीक है। लेकिन एक और है ऐसा ही, तो जब ऐसा रहेगा ना, जब इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ भी जोड़ के कितना लाओ, 3, और इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आएगा टोटल आइसोमर। टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे, 9। तो ये शॉर्टकट है जो आपको समझना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, नहीं तो एग्जाम में परेशान हो जाइएगा NO2 को ONO करने में और साइनाइड को NC और CN करने में, ठीक है। तो ये आपका था लिंकेज आइसोमर। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिगेंड आइसोमर। हालांकि ये जो है आइसोमर अराइज कैसे होता है, तो लिगेंड जब रहता है तब, ठीक है, ये लिगेंड के कारण ही ये आइसोमर अराइज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे फॉर्मूला लिखे हुए C3H6N2H4, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 दोनों डिफरेंट ग्रुप पहले और दूसरे पे, ये पहले और तीसरे पे, ठीक है। अब देखेंगे जरा सा इसमें कि यदि हम इस टाइप से लिख रहे हैं, तो और मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये डोनेट करेगा लोन पेयर और ये डोनेट करेगा, कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 5, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5, 5 मेंबर का जो रिंग है वो आपका बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही यदि इसके साथ यदि हम बात करें, तो ये 6 मेंबर का रिंग बनेगा, यदि ये वाले हम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, कितना मेंबर का रिंग बनेगा, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग जो है वो बनेगा। तो जाहिर सी बात है स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल ये वाला होगा, 6 मेंबर वाला, ठीक है। और एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कि Fe(NH3) का होल 4, ठीक है, C3H6N2H+3, ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। अच्छा, एक जैसे और एक एग्जांपल, जैसे हम ये बताएं कि जैसे ये टॉलिडीन, ठीक है, ये ऐसा लिखा रहा है, ऐसा ये स्ट्रक्चर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि NH2 यहाँ है, ऑर्थो मेटा और पैरा पे भी रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ रहा है कि रिंग कौन सा स्टेबल होते जा रहा है, ठीक है, रिंग कौन सा ज्यादा स्टेबल होते जा रहा है, और जो ज्यादा स्टेबल होते जा रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा जो है वो देखे थे इसके बारे में, लिगेंड आइसोमर के बारे में, ठीक है, लिगेंड आइसोमर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पॉलीमराइजेशन आइसोमर, तो बेसिकली जो है कहता है कि ये एक
ट्रू आइसोमर नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू आइसोमर, ठीक है, नॉट ट्रू आइसोमर, क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला बट सेम इम्पेरिकल फॉर्मूला, इनका डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला ही हो जाता है लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो वाला सेम आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? वो क्या आ जाता है, वो सेम आ जाता है। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो प्लेटिनम NH3 का होल टू Cl2, ठीक है, ये देखेंगे प्लेटिनम कितने रेशियो में है, 1:2:2, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जा रहा है, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, और ये N लिख दिया हम यहाँ पे, बहुत सारे हो सकते हैं, N=1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अब यदि हम इसकी बात करें PtNH3 होल टू Cl2, तो PT क्या क्या है इसमें, PT है, NH3 है, Cl2, इसका रेशियो क्या है, 1:2:2। अब अगला जो फॉर्मूला जो लिए हैं वो क्या है, PtNH3 का होल 4, अब PtCl4, ये एक अलग कंपाउंड ले लिए, तो क्या इसके और इसके में मॉलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका ये इम्पेरिकल सॉरी ये यदि हम बात करें जो आपका रेशियो जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो रेशियो देख रहे हैं वो आपका सेम आएगा। कैसे, अब देखेंगे इसमें NH3 कितना है, 4, ठीक है, PT कितने हैं, 2, यहाँ भी एक PT और यहाँ भी एक PT, ये हो जाएगा 2, और क्लोरीन कितने हैं, 4, यानी कि एक तरह से ये क्या हो डबल हो गया, ठीक है, 2 times हो जाएगा। और ये यदि फॉर्मूला ले लें तो ये एक दूसरे के यहाँ से यहाँ हो गए तो 3 times हो जाएगा। तो बेसिकली इसीलिए इसको पॉलीमराइजेशन आइसोमर को ट्रू आइसोमर नहीं कहा गया है। क्यों ट्रू आइसोमर नहीं कहा गया है, क्योंकि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज आ जा रहा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या बोलता है कि ये शो करता है बाय द कंपाउंड हैविंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, वैसा कंपाउंड के साथ जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन भी होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स एनायन भी होना चाहिए, यानी दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, एंड इट अराइजेस ड्यू टू चेंज ऑफ लिगेंड इन द कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है उसके एक्सचेंज के कारण जो है ऐसा देखने को मिलता है। जैसे CuNH3 का होल 6 प्लस 3, उसके बाद CrNO2 का होल 6, ये वाला, ठीक है, CrNO2 का होल 6, ये वाला, उसके बाद ये क्या देखेंगे, ये माइनस, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे ये कितने आइसोमर इसके आगे आइसोमर आएंगे, 6 आइसोमर कैसे आ रहे हैं, तो हम क्या बोले कि इन दोनों के जो लिगेंड हैं उसमें हम लोग एक्सचेंज करके देख सकते हैं। तो जैसे कि अब ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यदि हम क्या करते हैं NO2 यहाँ ले आते हैं और फिर उसके बाद NH3 1 वहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पे NH3 5 NO2 1, NH3 1 NO2 क्या हो गया, 5 4 2 2 4 3 3, ठीक है, 3 3, अब ये नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम आ गए, ठीक है, दोनों में नंबर क्या आ गए, सेम आ गए, देखिए दोनों क्या हो गए, सेम आ गए, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद 2 4, उसके बाद 4 2, ठीक है, 1 5 5 1, तो टोटल कितने हो गए, 6, 1 2 3 4, अभी और देखेंगे, ठीक है, 4, और उसके बाद ये यहाँ पे 5, ठीक है, एक 2 3 4 5, और एक कहाँ चला गया,
हाँ सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्यों काउंट कर रहे हैं बताते हैं, क्योंकि इसका जो ये जो है ना ये डिफरेंट है, ठीक है। बाकी चेंज इसमें नहीं आया है, लेकिन चूंकि सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट है ना इसलिए इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, 6, 1, 2, 3, 4, 5, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका यदि देखें तो इसमें केवल कितने आइसोमर मिलेंगे, 2 आइसोमर मिलेंगे बोलता है, कैसे तो देखेंगे। Cl को इधर ले आओ, NH3 को इधर भेजो, ठीक है। उसके बाद ये बन गया एक, उसके बाद फिर आगे जाते हैं, उसके बाद एक और NH3 को ले आओ, Cl को भेजो ये, ठीक है। एक और NH3 को भेजो, Cl को ले आओ, और सारे Cl को ले आओ, NH3 को भेजो। तब आप यदि देखेंगे तो ये वाला देखिए कॉमन बन गया, मतलब सेम, दोनों सेम ही बना है, ये वाला भी सेम है, ठीक है, और ये वाला भी सेम है। इस पिछले वाले में केवल ये दोनों पार्ट सेम हो रहा था, ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में PTB और PTB सेम है, तो दोनों एकदम सेम हो गए, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये तो चलो ठीक है। और इस वाले में भी क्या हो गया कि ये जो पहला वाला जो था वही सेम आ गया, PTCl का 4, PTNH3 का होल 4, आइडेंटिकल विथ नंबर 1 जो ऊपर जो था ना उसके साथ आपका सेम आ गया, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसके साथ जो है वो सेम आ गया पहला वाला के साथ, ठीक है। तो कितने मिल रहे हैं, केवल 2 मिलेंगे आपको, ध्यान में रहेगा, उसके बाद हाँ, उसके बाद आ रहा है स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर एकदम देखेंगे। इसमें दो पार्ट अपने को देखना है, पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है आपका पहला स्ट्रक्चरल तो हम लोग सॉरी स्टीरियो में दो पार्ट आएगा, एक तो ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ठीक है, पहला क्या आएगा आपका ज्योमेट्रिकल और दूसरा क्या आएगा आपका ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब होगा तो ये देखेंगे, ये आपका जो है एक तो रोटेशन बैरियर इसमें आ जाएगा, हालांकि ये हम लोग किस में देखे हैं, ये हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं आइसोमेरिज्म में भी अपना ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पे सिस और ट्रांस के लिए बेसिकली हम जब बात करेंगे तो क्या हम बात करेंगे कि सिस कब कहेंगे, जब दोनों ए और ए रहेगा, दोनों सेम ग्रुप रहेगा सेम साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, ठीक है। और दोनों जब क्या रहेगा, अपोजिट साइड में रहेगा सेम ग्रुप, तो क्या कहेंगे उसको, ट्रांस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे कोई सिस और ट्रांस तो शो करने की बात ही नहीं आ रही, होगा क्या सिस और ट्रांस, नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया तो ऑर्गेनिक का भी आपको पहले से है आई थिंक, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में भी जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में भी किसी प्रकार का कोई भी जीआई शो नहीं कर सकता है, क्योंकि सेम लिगेंड है, कहीं से भी किसी को कुछ करोगे कोई फायदा नहीं है। उसके बाद टेट्राहेड्रल में यदि हम जाएंगे तो टेट्राहेड्रल में सारे कितने पे रहते हैं, 109 डिग्री, 28 मिनट, और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल कितना मिलता है, 6। हाउ मेनी एंगल्स इन टेट्राहेड्रल, हाउ मेनी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 6, 4C2, ठीक है, 4C2, ये मैथमेटिकल वाला से भी निकाल सकते हैं। इसमें भी कोई जीआई आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एंगल्स ही अलग है, किसके अपोजिट जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी कोई भी जीआई नहीं देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहीं यदि स्क्वायर प्लेनर में आएंगे तो फिर आपको देखने को मिलता है, इसमें जीआई मिलेगा, क्योंकि इसमें सेम सेम बोल सकते हैं, ये दोनों सेम में है और ये दोनों किस में है, अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जीआई देखने को मिलेगा, बताते हैं अभी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने पास जीआई के जो हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले केस 1, ठीक है, केस 1 लेकर के चलते। केस 1 में क्या बोलता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, ये तो अभी ही बोले, तो अब इस चीज को समझना है कि कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये जो अभी हम बनाया हुआ है ये 1
ये L1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं L2, ये मान लेते हैं L3, ये मान लेते हैं L4, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और बीच में क्या है, मेटल जो है वो है। अब ये इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ये इधर से इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, ये इधर से इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और ये इधर से इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, समझ में आया। तो देखेंगे कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, भाई 90 का बन रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है। ये दोनों ग्रुप जब आपस में आमने सामने होंगे, एक साइड में होंगे, तो एंगल कितना बनेगा, 90 का। लेकिन यही यदि हम अपोजिट वाले का बात करें, किसका बात करें, अपोजिट वाले का बात करें, तो अपोजिट वाले का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 180 का। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अच्छा अपोजिट वाले में यदि रखेंगे तो एंगल कितना बनेगा, 180, आसपास रखेंगे तो कितना बनेगा, 90। और आसपास वाले को ही क्या बोलते हैं, मतलब सेम साइड वाले को क्या कहते हैं, सिस, और अपोजिट को क्या कहते हैं, ट्रांस। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 90 डिग्री क्या कह लेंगे हम लोग सिस, और 180 डिग्री क्या कह लेंगे हम लोग ट्रांस, ठीक है। टोटल कितने एंगल्स आपको बनेंगे, इसमें भी सेम 4C2, ठीक है, 6 आएंगे आपका, एक दूसरे से मिलाते चलेंगे। कौन कौन होगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, हो गया, ठीक है, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ। तो ये आपको जो है वो दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये सेम साइड में रहेगा तो क्या कहलाएगा, सिस, और अपोजिट में जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका, ट्रांस। 1 का 2 के साथ, यानी कि L1 का L2 के साथ एंगल, ठीक है, समझ में आया, L2 का L3 के साथ, ठीक है। ये कितने एंगल्स आपको बनते हुए नजर आएंगे टोटल। अब इसमें सिस कितने बनेंगे और ट्रांस, ये तो टोटल हो गया, ये तो टोटल हो गया कि टोटल इतने एंगल्स आपस में एक दूसरे के बन रहे हैं। सिस कितना हो गया, तो सिस यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे कौन आएगा, L1 के साथ L4, ठीक है, L2, L1 के साथ L2 आएगा, ठीक है, L2 के साथ L3 आएगा, ठीक है, L2 के साथ L1 तो हो गया। इस तरीके से करके देखेंगे तो आएगा 1 2, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, 1 4, यानी 1 का 2 के साथ एंगल, ठीक है, यानी क्या आने वाला है, 1 का 2 के साथ, ठीक है, उसके बाद का 4 के साथ, ये भी 90 बन रहा है, ठीक है, ये भी 90 बन रहा है। उसके बाद क्या आएगा, 2 का 3 के साथ, हवाई 2 का 3 के साथ 90 बन रहा है, ठीक है, 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, यस 90 बन रहा है। तो ये सारे किस पे आ जाएंगे, सिस। और 180 वाले, 2 का 4 के साथ, ठीक है, 1 का 3 के साथ, ये सबका सब क्या आएगा, सबका सब क्या आएगा, ट्रांस पे आ चला जाएगा। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे देखेंगे तो किस तरीके से लेकर के चलेंगे। ये मोनोडेंटेट यदि लिगेंड रहेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग छोटा वाला ए बी सी डी ई एफ, स्मॉल ए बी सी डी से हम लोग करेंगे। और यदि बाइडेंटेट लिगेंड रहेगा तो बाइडेंटेट में 2 केस आ जाते हैं, एक आ जाते हैं सिमेट्रिकल और एक आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है। बाइडेंटेट में 2 केस आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका सिमेट्रिकल और दूसरा कौन सा आ जाएगा, अनसिमेट्रिकल, ठीक, समझ में आ रहा है जी चैतन्य। हाँ, सर एक बाइडेंटेट में यदि मोनोडेंटेट है तो ए बी सी डी ई एफ, ये ऐसे हो जाएगा, और यदि बाइडेंटेट रखे हुए हैं तो एक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, और दूसरा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। लिगैंड में पहले ही पढ़ चुके हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में, ठीक। और इसमें भी यदि जो है बोथ डोनर एटम सेम रहेगा, यदि दोनों एटम सेम रहेगा, सिमेट्रिकल किसको कहेंगे, तो जिसका दोनों बोथ डोनर एटम सेम रहेगा, और उसका रिप्रेजेंटेशन ए ए कैपिटल वाला, कैपिटल वाला बी बी, कैपिटल वाला सी सी, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। और एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो कौन, ई एन, एन याद है, इथिलीन डाईअमाइन, NH2, ठीक है, CH2, CH2, और ये क्या हो जाएगा, NH2। ये क्या है, सिमेट्रिकल, बीच से काटो दोनों आपस में बट जाएंगे, ठीक है। और डोनर एटम क्या है, सेम, ये देखो डोनर एटम दोनों का क्या है, सेम। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। OH ऑक्सीलेटो भी सेम टाइप का है, ठीक है, सिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल में क्या होगा कि बोथ डोनर एटम डिफरेंट रहेगा एग्जाम्पल, तो इसीलिए हम लोग ए बी देंगे रिप्रेजेंटेशन। यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्या था, ए यानी दोनों सेम, क्या देंगे, ए बी यानी दोनों डिफरेंट है, ए बी सी डी ई टी सी। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लाइसिनेटो, ठीक है, उसके बाद एसीटेटो, ये टाइप का आपको सब नजर आएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में ही रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन एक पूछ रहे, बोलता है सबसे पहला कि डिफरेंट टू मोनोडेंटेट, ठीक है, डिफरेंट टू, अच्छा इसको छोड़िए, ये जो है आपके
काम का नहीं है, तो चलिए ठीक है फिर भी देख लो। बोलता है डिफरेंट टू मोनोडेंटेट, ठीक है दो डिफरेंट ले रहे हैं और एक जो है वो डिसिमेट्री बाइडेंटेट ले रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? दो डिफरेंट मोनोडेंटेट मान लेते हैं तो ए और बी, ठीक है ये हो गया, और एक डिसिमेट्री बाइडेंटेट, तो एक डिसिमेट्री बाइडेंटेट ले लो ए बी, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो गए, एक दो और दो, ये चूंकि बाइडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, फोर, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेशन, ये एम ए बी, ठीक है ए बी और ये प्लस माइनस एन, ऐसा हो जाएगा। बोलता है टू डिफरेंट अनसिमेट्रिकल लिगेंड लो, ठीक है टू डिफरेंट अनसिमेट्रिकल यहाँ बाइडेंटेट लिखना चाहिए, बाइडेंटेट बाइडेंटेट, ठीक है तो ये हो जाएगा आपका। कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स का है, बोलता है कि टू डिफरेंट मोनोडेंटेट लो, वन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लो, वन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लो, तो सबका देखने पे ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये एक आध होमवर्क में आप अपना बना करके देखिए, ठीक है। तो अब देखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड वाला, ठीक है हम वैसे एग्जांपल ले रहे हैं सारा जो मोनोडेंटेट लिगेंड हैं सिंगल, ठीक है ठीक अब जैसे रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, ठीक है ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के साथ हम लोग देख रहे हैं, ये पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा एम ए फोर, ए फोर का मतलब चारों सेम लिगेंड है, ठीक है कोई जी आई इसमें नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पी टी एन एस थ्री का होल फोर सी एल टू हम ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल है इसका, देखेंगे चार है ना, चार कोऑर्डिनेशन नंबर तो, और चारों सेम टाइप का कोई जी आई नहीं मिलेगा। एम ए थ्री बी, यदि ए थ्री बी ए टाइप का मतलब एक टाइप का तीन सिमिलर और एक अलग, तो इसमें भी कोई जी आई नहीं बनेगा क्योंकि इसमें होगा ही नहीं ना, किसी को भी कहीं पे रखो वो सारा हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए ना, तभी तो हम पोजीशन बदलेंगे तो हो सकता है, थोड़ा सा जी ओ सी का भी याद करो। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अब देखे कैसे नहीं होगा, अब जैसे कि ये मान लेते हैं, ठीक है ये मान लेते हैं ये इस तरीके से है ये, ठीक है ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये ए है, ठीक है ये क्या है ए, तब इस बी का पोजीशन कहीं भी आप रखिए वो सेम ही आएगा, तीन तरफ से ए और एक तरफ से बी, इसलिए इसमें नहीं होगा, ठीक है कोई जी आई सो ही नहीं करेगा, डिफरेंट जब तक नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी टी एन एस थ्री का होल थ्राइस सी एल और ये सी एल बाहर, कोई जी आई नहीं इसमें भी। लेकिन यदि हम एम ए टू बी टू करते हैं, ठीक है तो इसमें दो जी आई मिलेंगे, ठीक है एम ए टू बी टू, एग्जाम्पल पी टी एन एस थ्री का होल टू सी एल टू, देखेंगे यहीं पर दिया हुआ है, तो एम ए टू दोनों एन एस थ्री को एक बार क्या किया हम सेम साइड में रखे हैं, ठीक है और ये दोनों सी एल को क्या रखे हम सेम साइड में रखे हैं, इस बार क्या किए कि एन एस थ्री को क्या कर दिए अपोजिट में ले गए हैं, ठीक है इस सी एल को भी आपस में जाहिर सी बात है किस में आ गई है अपोजिट में आ गए हैं, तो कोई एक भी सिमिलर ग्रुप सेम में रहेगा ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग सिस कहेंगे, और इसका नाम है सिस प्लेटिन, क्या नाम है सिस प्लेटिन, और इट इज यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, किस लिए इस्तेमाल होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या आ जाएगा अपोजिट, और कोई भी एक 180 डिग्री पे आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ट्रांस कहते हैं, ये हो जाएगा सिस और ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म इसके, और कितने जी आई मिलेंगे अपने, दो जी आई मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है कि विच फॉर्म ऑफ पी टी सी एल पी टी एन एस टू गिव्स वाइट पीपीटी विथ ए जी टू सी टू ओ फोर, तो वाइट पीपीटी वही देगा तो क्या बनाएगा ए जी सी एल बनाएगा, ए जी सी एल यदि बनेगा तो वाइट पीपीटी बनेगा, और ए जी सी एल बनने के लिए सी एल का, ए जी सी एल बनने के लिए सी एल का कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहना जरूरी है, यदि सी एल बाहर रहेगा तभी क्या बनेगा वो बनाएगा अपना पीपीटी और नहीं तो नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब जो है ध्यान से देखेंगे, ठीक है ठीक। अच्छा एक तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे तो सारा का सारा स्ट्रक्चर अंदर, मतलब सारा का सारा सी एल कहाँ पे है, अंदर में है, अब सारे के सारे स्ट्रक्चर यदि अंदर में हैं तब कैसे क्या हो सकता है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब बेसिकली होता क्या है कि ये
PtNH3 का होल टू Cl2 प्लस, ठीक है, प्लस Ag2C2O4, ये है। अब इसके साथ रिएक्शन करवाने पे क्या हो जाता है, ये Ag जो है मतलब Cl2 जो है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है AgCl के साथ और व्हाइट Pt बनाता है। और इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि ये वाला। और खास करके ये किस में आपको नजर आएगा? सिस में। क्यों नजर आएगा सिस में? क्योंकि ये जो ये वाला जो है आपका, ठीक है, एसीटेट वाला जो है C2O4, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दो COOH ग्रुप लगे हुए है ना यहाँ पे, इधर भी और इधर भी, COOH- इधर भी और इधर भी। तो ये चूंकि एक ही साइड से निकाल सकता है Cl, यानी Cl को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस ऑक्सीजन के जगह, और आप कौन कोऑर्डिनेट कर रहा, ओ। तो ये तभी हो सकता है ना जब सिस में रहेगा, दोनों Cl सेम साइड में रहेंगे तब हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये आकर के इधर से अटैक कर दे और इसको हटा दे। लेकिन दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे तो वो नहीं हो सकता है। और इससे फायदा क्या है कि यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन भी हो रहा है, कितने मेंबर का, 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5, 5 मेंबर का जो है रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये इसको क्या बनाता है, स्टेबल, ठीक है, ये क्या बनाता है, स्टेबल ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, 5 मेंबर, ठीक है, गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऑक्सीलेटो इज ए सिमेट्रिक सो अटैक ऑन वन साइड, ऑक्सीलेटो जो है वो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का हिस्से बना है ना, COOH, ठीक है, COOH, H हटा दो तो COO-COO-, तो वही तो है COO-COO-, तो ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट क्या है, सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने के कारण वो अटैक करेगा एक ही साइड से, ठीक है, रिएक्ट विथ सिस्प्लेटिन, इसलिए वो रिएक्ट किसके साथ करता है, सिस्प्लेटिन के साथ, ठीक है, और इसका फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें इसमें होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। MA2BC, यानी एक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर CN=4 में दो दो को रखे हैं सेम और दो को रखे हैं डिफरेंट, एकदम डिफरेंट, तो इसमें कितने हो रहे हैं, 2, ये याद रखना है, ये हम डायरेक्ट बता रहे हैं 2, ठीक है, वो निकाल के भी बता रहे हैं, लेकिन मेन ये है आपको ध्यान में रखना है आइसोमेरिज्म में, केवल क्या ध्यान में रखना है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और कितने GI हैं, GI ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, कितना उसके बाद ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, इनेंसियोमर, ये सब आपको याद रखना है एकदम डेटा, कि इस वाले रिप्रेजेंटेशन में GI इसका होता है 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तभी आप क्वेश्चन जो है वो बना पाएंगे। अच्छा, कई जो है वो आपका ऑप्टिकली GI भी है, वो हो सकता है आपका ऑप्टिकली, सॉरी, GI भी हो सकता है आपका क्या हो जाए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, या हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि कौन सा GI जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा GI जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते चलेंगे, लेकिन मेन क्या हम बोले कि आपको ध्यान में क्या रखना है, रिप्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ कितने GI हो रहे हैं उसमें, कितने ऑप्टिकल आइसोमर, कितने ऑप्टिकल एक्टिव, कितने इनेंसोमर, ये सारा कुछ ध्यान में रखना है। तो क्या बोले, MA2BC जैसा ही आया, ठीक है, MA2BC जैसा ही आया तो ध्यान में रखना। अब एग्जाम्पल कैसे, जैसे PtNH3H2OBr, अब ये देखो A2, ये आ गया B और ये आ गया C, तो आ गया ना MA2BC, अब साफ इसका GI कितना, 2, सिंपल आपको याद रखना होगा कि इसका 2, तभी आप निकाल सकेंगे, नहीं तो परेशानी होगा। अब जैसे कि ये NH3, ठीक है, और ये NH3 देखो कहाँ गए, अपोजिट में, ठीक है, किसी भी एक ग्रुप को लेकर के कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंट है। तो ये सेम ग्रुप जो है वो कहाँ पे आ गया, अपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, और ये जब सेम एक तरफ आ गए तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिस। तो ये 2 GI मिल रहा है, ठीक है। और यदि हम अगला की ओर बढ़ते हैं, MABCD, ठीक है, MABCD की तरफ कितने GI हो जाएंगे, यहाँ पे 3 GI हो जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे PtNH3, वाटर, Cl और Br, 3 आइसोमर होंगे। अब इसका निकालने का तरीका बता देते हैं, नहीं तो आपस, क्योंकि चारों डिफरेंट है ना,
तो चारों को इधर उधर उधर इधर करते करते प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ए को जो है ना, ए को फिक्स कर लो। क्या कर लो, ए को भाई फिक्स कर लो, इसको यहीं रखेंगे ठीक, और बाकी सबका जगह को चेंज करते रहो ठीक है। तो एक बार अच्छा चेंज भी करना है क्या, एक बार ए को इसके ए के अपोजिट में बी को लाएं, एक बार ए के अपोजिट में सी को लाएं, और एक बार ए के अपोजिट में किसको लाएं, डी को लाएं ठीक है। तो ये तीन ही बन रहा है, अब तीन ही बनेगा, बाकी आप कोई भी बना लीजिए, सबका सब एक दूसरे का क्या बनेगा, सिमेट्रिकल आइडेंटिकल बन जाएगा, आइडेंटिकल बनता हुआ नजर आएगा ठीक है। इसके अलावा कुछ भी यदि आप बना रहे हैं तो क्या बनेगा, आइडेंटिकल। क्लियर है? तो कितने आइसोमर ध्यान में रहेंगे, एम ए बी सी डी के 3, एम ए टू बी सी के 2, एम ऊपर से क्या चला गया, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, एम ये वाला, हाँ एम ए टू बी टू का कितना, 2, एम ए टू बी टू का 2 ठीक है, क्लियर हुआ, एम ए टू बी सी का 2 ठीक है, और उसके बाद एम ए बी सी डी का 3, ये ध्यान में रखना है पूरा का पूरा ठीक है। अब हम लोग बाइडेंटेट वाले केस में आ जाते हैं, नहीं यहाँ पे अभी बचा हुआ है एक, ये बी का बी पार्ट बचा हुआ है, बी पार्ट क्या बचा हुआ है कि यदि हम लोग मोनोडेंटेट के साथ बाइडेंटेट ले लेते हैं। अभी क्या था, केवल केवल और केवल मोनोडेंटेट था, सबका सब क्या था, एक ही मोनोडेंटेट वाला, लेकिन अब क्या बोलता है कि मोनोडेंटेट के साथ हम लोग क्या ले लेते हैं, बाई। तो बाई पढ़े थे ना, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का रिप्रेजेंटेशन ए ठीक है, या फिर बी बी ऐसा होगा, और असिमेट्रिकल का ए बी ठीक है, सी डी ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। यदि हम बोले एम ए ए टू ले लेते हैं, यानी ये वाला सिमेट्रिकल और ये दोनों सेम ले लेते हैं, कोई जी आई नहीं, सोचो तो कैसे जी आई होगा, सब तो सेम ही हो जा रहा है, ए और ए फिक्स रहेगा ठीक है, और ए टू को कहाँ रखोगे, कहीं भी रखोगे तो वो सेम आएगा। कैसे, देखो ये ए और ये ए ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे ठीक है, सिमेट्रिकल, क्योंकि बीच में कुछ कुछ एटम होते हैं ना ठीक है, इसलिए जैसे अभी ऑक्सीलेट वाला पढ़े थे, क्या था ओ ठीक है, ऐसे करके, और ये कार्बन डबल बॉन्ड सी, और ये ठीक है, ये आपका आ जाएगा ओ माइनस ओ डबल बॉन्ड, तो सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो जा रहा था, और ये स्ट्रक्चर हम गलत बना दिए, जैसे ये ले लेते हैं NH2 CH2 CH2 CH2, ये वाला जो बेसिकली है ये NH2 NH2, तो ये बेसिकली है कि एक जगह से ये टच रहेगा और एक जगह से ये, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये तो वैसा ही रहेगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनके बीच का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, या सी सी जो भी है सबको रिप्रेजेंट कर देंगे लाइन से पूरा। तो वही बोले कि बीच में यदि ये है ठीक है, एम है ये ठीक है, ये है, और ये कैसे हो रहा है, ए ए यानी कि सिमेट्रिकल, यानी कि हम क्या ले सकते हैं, जैसे एन एच टू ले लिए, ये ले लिए एन एच टू, और ये पूरा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, और ए ए तो ले लेते हैं, मान लेते हैं सी एल ठीक है, सी एल ले लिए, और यहाँ भी सी एल ले लिए, तो अब क्या, ये तो दोनों फिक्स ही हैं, अब सी एल को कहीं कहाँ रखोगे दोनों का, तो इसको यहाँ रखोगे या इसको यहाँ रखोगे, बात बराबर है, कोई चेंजेज इसमें नहीं आएगा ठीक है, कोई जी आई नहीं होगा, ए बी में कोई जी आई नहीं होगा, फिर भी वही, मान लो यहाँ बी आर रख लो, तो बी आर को यहाँ रखो या सी एल को यहाँ रखो, क्या होता है, कुछ फायदा मिलेगा क्या, कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसमें भी नो जी आई, कोई जी आई नहीं होता है। लेकिन इसमें यदि हम देखें ए बी, अब इसी को हम डिफरेंट ले लिए, ये आ गया आपका अनसिमेट्रिकल, और ये ए टू, फिर भी नो जी आई, क्योंकि ये ए टू तो सेम आ गए ना इसीलिए, लेकिन हाँ ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, तब अब होगा, जैसे ये क्या हो गया ए बी,
ये क्या हो गया ए और ये आ गया आपका बी, ये ऐसे, तो ये ले लिए ए और ये ले लिए बी, तो इसके रेस्पेक्ट में मान लेते हैं ये दोनों क्या आ गए आपका सेम आ गए, ए और ये इस तरीके के, ठीक है, ये इसके अभी रेस्पेक्ट में है, लेकिन उसके बाद हम क्या कर देंगे जस्ट इसको पलट देंगे, ठीक है, बी और ए कर देंगे, तब आपका आ जाएगा, ठीक है, बी और क्या कर देंगे ए, तो फिर आपका एक नया बन गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे समझे, ए के रेस्पेक्ट में ये देखो बी नजर आ रहा है और ए के रेस्पेक्ट में ये ए नजर आ रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट है, डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, इसलिए जो जी आई है वो शो करता हुआ आपका नजर आएगा, ठीक है। अब तीसरा हम क्या बोले कि सबका सबको हम क्या ले लेते हैं बाइडेंटेट, ठीक है, तीसरा क्या ले लेते हैं सबका सब बाइडेंटेट, लेकिन अभी आई थिंक टाइम हो चला है, कभी भी ये क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा अपने आप, ठीक है, तो हम फिर से 5 मिनट में हम लिंक शेयर करते हैं, फिर से ज्वाइन होंगे, तो हम लोग आगे के जो लिगेंड आगे के जो आइसोमर्स वाला कहानी है उसको देख करके फिनिश करेंगे, ठीक है, जितना हो सकेगा आज, और फिर कल जो बाकी बचा हुआ है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो 5 मिनट बाद अभी हम फिर लिंक भेजेंगे, फिर से ज्वाइन होना है, ठीक, क्योंकि ये इसका 40 मिनट्स होने के बाद ये कभी भी बंद होता है, ठीक है, हाँ कभी, ओके थैंक यू, हम इसको ये कर रहे हैं, और ये वाला जो है ना इसका हम पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप पे, ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप पे, हाँ।